नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे खसरा नंबर को लेकर। बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे का कार्य जारी है। इस जारी सर्वे कार्य को लेकर लोगों को सजग भी किया जा रहा है, ताकि लोग जब सर्वे कार्य में जाएं तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, साथ ही कर्मचारियों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसी में आइए हम जान लेते हैं खसरा क्या होता है। आप जब जमीन खरीदते हैं तो आपको एक विशेष नंबर प्राप्त होता है, जिसे खसरा नंबर कहा जाता है। आप इस खसरा नंबर को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों जगहों पर आसानी से देख सकते हैं। जमीन के एक टुकड़े या फिर हम कहें कि एक हिस्से को खसरा कहा जाता है। खसरा शब्द ईरानी शब्द है। इसका इस्तेमाल प्रदेश में जिला प्रशासन के गांव या फिर शहर के नक्शे में करते हैं। बता दें कि खसरा जमीन का एक छोटा टुकड़ा होता है, जो कि एक नंबर होता है। यह किसी भी जमीन के भौगोलिक स्थिति को बताता है। बता दें कि खसरा नंबर आपको उस जमीन की पुरानी जानकारी उपलब्ध कराता है, जैसे कि उस नंबर के प्लॉट की माप कितनी है, यह उपजाऊ जमीन है या फिर नहीं, या फिर सहन है, या फिर इस जमीन पे जो है, यानी कि उस प्लॉट पे जो है घर बनाया जा सकता है। जो प्लॉट सहन है उसमें मालगुजारी नहीं काटी जाती है। और हाँ, खसरा नंबर से आप उस जमीन के मालिक के बारे में भी जान सकते हैं कि यह जमीन किसके नाम से है। किसी भी व्यक्ति को जमीन खरीदने के लिए खसरा नंबर बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको यह भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी का बंटवारा होता है तो उसमें ज़मीन का भी बंटवारा होता है। तो ऐसे में ज़मीन के किसी भी हिस्से का दो टुकड़ा होता है। ऐसे में मान लीजिए कि किसी प्लॉट का नंबर 50 है और उसमें दो पाटीदार हैं, तो उसमें उस प्लॉट का खसरा नंबर होगा 50x1 और 50x2। तो किसी भी प्लॉट का खसरा नंबर इस तरह से बदल भी सकता है। अगर आप अपने प्लॉट का खसरा नंबर देखना चाहते हैं तो इसके लिए बिहार सरकार ने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई है। ऐसे में आप सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आपके सामने होम पेज आ जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई देगा, जिसमें आपको प्रदेश के जिले शहर का नाम चुनना होगा। इसके बाद आपको उस इलाके का दूसरा जोन दिखाई देगा। टोटल जोन यानी कि अंचल के अंदर में आपको मौजा, खाताधारी और कुल खातों की संख्या के साथ साथ खेसरा की भी पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर अब आपको जो है आपके अंचल की सारी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। आपको उन सारी जानकारियों को जो है वहाँ पे भरना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर खाता खोजें दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका नाम, खाता का नंबर, खसरा नंबर दिखाई देगा। अब इसके बाद आप अधिकार अभिलेख जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर जाकर इसके बारे में आप विस्तार से देख सकते हैं। खसरा संख्या उत्तर भारत, मध्य भारत के कई राज्यों में खूब इस्तेमाल किया जाता है। हमने आपको पहले भी बताया, जमीन के टुकड़े कागजातों में यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। बता दें कि इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार और झारखंड में इन शब्दावली यानी कि खसरा नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। खसरा नंबर को अगर हम और भी अच्छे से समझें तो जब सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत तब है जब आप किसी प्लॉट की खरीद करते हैं तो उसका वाजिब मालिक यानी कि उसका जो पुराना मालिक कौन है, इसके बारे में आपको उससे पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ उस प्लॉट का भौगोलिक स्थिति यानी कि उसकी माप कितनी है और उसके एवज में आपसे कितना पैसा लिया जा रहा है, इसकी सही सही जानकारी जो है आपको खसरा नंबर से ही मिलेगी। इसलिए जब भी ज़मीन खरीदने जाएं सबसे पहले आप खसरा नंबर ज़रूर उनसे पूछें। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।